हेलो फ्रेंड, आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो बहुत इजी और टेस्टी है, सो गार्लिक ब्रेड स्टिक। सो चले बनाना शुरू करते हैं। पहले ब्रेड के लिए ब्रेड स्प्रेड तैयार करते हैं, जो गार्लिक ब्रेड स्प्रेड है। सो कुछ 5-6 गार्लिक क्लोव्स लिए और उसे हम मैश करके इस तरह से निकाल लेंगे। बिल्कुल पीसना भी नहीं है और काटना भी नहीं है, पतली पतली लेयर निकल आएगी इसकी। तो ये ऑलमोस्ट 1 टीस्पून बन गया। अब 2 टेबलस्पून हम इसमें बटर लेते हैं। और इसमें अब हम ड्राई पार्सले ऐड करते हैं। वो इजी होता है, कस काट के डालो अगर तो थोड़ा सा वेट होता है, ये ड्राई लुक है इसका। और थोड़ा थाइम डालते हैं इसमें। सो ये अच्छा एक पिज्ज़ा क्रस्ट की तरह एक इसका भी एक टेस्ट आ जाता है। आप सबों को मिक्स करके ब्रेड में लगाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 सैंडविच ब्रेड ली है। दोनों स्लाइस में एक तरफ अच्छे से इसको लगा लेना है। अब एक फ्राई पैन में थोड़ा सा बटर अप्लाई करते हैं। और जिस तरफ हमने बटर लगाया था उसे अंदर की तरफ लगाकर और ऊपर जो सादे पार्ट है जिसमें हमने अभी बटर नहीं लगाया है उसके ऊपर हम ये मोज़रेला चीज़ अप्लाई कर देते हैं। जितना भी आप चाहते हैं, जितना ज़्यादा और उतना लगा सकते हैं। तो मैंने लो फैट यूज़ किया है और उसकी दूसरी लेयर को इसके ऊपर रख के कवर कर दिया। तो एक तरफ इसे हम अच्छे से रेड कर ले रहे हैं ताकि क्रिस्पी हो जाए थोड़ा सा। अब इसे कवर करके ताकि चीज़ जो है ना अंदर मेल्ट हो जाए, 3 से 4 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम में, लो टू मीडियम फ्लेम में। देखिए कितना अच्छा है, इसका कलर भी आ गया और बहुत अच्छे से पक गया है। चलिए अब निकाल कर देखते हैं कैसा कटता है, और बहुत टेस्टी लग रहा है। सो इसके 3 स्लाइस कट किए, देखें कितना सॉफ्ट है और कितना आज साइड से क्रंची है और अंदर से सॉफ्ट है इसके, क्योंकि इतना सारा इसके अंदर चीज़ पड़ा हुआ है। सो बहुत ही टेस्टी लग रहा है, ये देखें कितना अच्छे से इसकी आई थिंक बच्चों को बहुत पसंद आती है, जल्दी बन जाती है फौरन। आप टिफ़िन में भी दे सकते हैं इसे और ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं जल्दी में, अगर बहुत लंबा कुछ नहीं पकाना हो, बहुत जल्दी बन जाती है। सो ट्राई करके ज़रूर देखना, मुझे बताना कैसी लगी। सो सेम थिंग, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और फीडबैक ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।